डेरा सच्चा सौदा में तलाशी अभियान जारी है। पूरे डेरे को अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने कब्जे में लिया हुआ है। ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध हालत में 5 लड़के मिले हैं। इनमें से 2 नाबालिग बच्चों को बाल संरक्षण टीम को सौंप दिया गया है व अन्य 3 को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर उनके घर परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। शाम को उत्तर प्रदेश के रुड़की में फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। सर्च ऑपरेशन आज रात तक चलने की संभावना है। सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरा में भारी संख्या में पुरानी करेंसी मिली है। डेरा के पास मार्केट में डेरा सच्चा सौदा की प्लास्टिक करेंसी भी मिली है। कई हार्ड डिस्क और कंप्यूटर कब्जे में लिए गए हैं। डेरा के अंदर कंट्रोल रूम और 3 कमरे सील किए गए हैं। अंदर खुदाई और तोड़फोड़ के भी संकेत मिले हैं। इसके लिए JCB भी बुलाई गई है। एक सर्च टीम डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बहुचर्चित गुफा में पहुंची है। टीम के सदस्य वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। बताया जाता है कि डेरे में गुरमीत राम रहीम के गुफा और कमरों की सर्च टीमें गहन जांच कर रही हैं। दीवारों की भी जांच की जा रही है। इसके लिए मेटल डिटेक्टर व अन्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। सर्च टीमों ने एडम ब्लॉक के समीप बने डेरा के कंट्रोल रूम को सील किया है। एडम ब्लॉक व डेरे का पूरा कंट्रोल इस कंट्रोल रूम से ही होता था। बताया जाता है कि यहाँ 3 कमरे हैं जिन्हें सील किया गया है। जनसंपर्क विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सतीश मेहरा ने बताया कि डेरा की फार्मेसी में बिना ब्रांड और लेबल वाली दवाएं भी काफी मात्रा में मिली हैं। बिना नंबरों की एक ओबी वैन और लक्सस कार भी बरामद की गई है। इसके साथ ही डेरे में कई जगह पुराने और नई करेंसी बरामद हो रही है।